जैसे मैं कह रही हूँ कि धोखा और झूठ को नींव बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये केवल यहाँ के छत्तीसगढ़ लोगों के साथ ही नहीं बल्कि अपने कोलीग्स के साथ भी धोखा और झूठ किया गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तब वादा किया गया था टीएस सिंहदेव जी को कि आधा काल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आधा काल टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पर अब देखोगे तो भूपेश बघेल अपना बल दिखाने के लिए वहां दिल्ली जाते हैं अपना एमएलए के साथ, वहां अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि केवल यहाँ के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि अपने पार्टी वालों के साथ भी यहाँ धोखा किया जाता है। और हम पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि जो अपने खुद के पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ जो धोखा करता है, जो झूठ बोलता है, वो छत्तीसगढ़ी लोगों का को क्या न्याय देगा? ये छत्तीसगढ़ लोगों को एक बार सोचना है। हमारे लिए ट्राइबल्स आर नॉट अ वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी केवल कहती ही नहीं बल्कि मानती भी है कि सबके साथ ही सबके विकास हो सकता है, और हम ट्राइबल्स के विकास चाहते हैं।